हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिविनिटी टेरोसिक्स, वेयर ट्रूथ एक्सपोजेस डार्कनेस। तो आज का जो टॉपिक है गाइस, वो है कि आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप, ठीक है, जहाँ पे ये पर्सन आपके साथ कमिटेड एंड डेफिनेटली लॉयल, डिवोटेड एंड फेथफुल रहने वाले हैं, कौन ऐसा पार्टनर आपको मिलने वाला है जो काफ़ी ज़्यादा वफादार होंगे, डेडिकेटेड होंगे, ठीक है, आपके प्रति एंड फुल एंड फाइनल कमिटमेंट आपको देंगे, प्रोमिसज जो है आपका फुलफिल करेंगे। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइज हु इज़ दैट पर्सन। रीडिंग को लास्ट तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना है, इंस्टाग्राम में फॉलो करना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई सेकेंड चैनल विच इज़ अ ब्लॉग चैनल, बिकॉज आई शो कल्चर ओवर देयर। दिस चैनल इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी टाइप ऑफ पर्सनल पेड प्रेडिक्शंस और एनी टैरो रीडिंग्स और एनी टाइप ऑफ थिंग्स, ठीक है, जस्ट लाइक सेलिंग ऑफ ब्रेसलेट्स और एनी अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ये चैनल स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ही बेस है एंड यही रहेगा। सो नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी टाइप ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स और ब्रेसलेट्स। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। ये टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए रीडिंग होगा, ओके। तो आप इसको कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो और गाइडेंस ले सकते हो। सो लेट्स सी, ये इंसान कौन है, कब आएंगे आपके पास एंड कब तक आपको कमिटमेंट देंगे, क्या वो आपके पास्ट है, क्या आपके साथ इनका न्यू बिगिनिंग होगा, नई शुरुआत होगा, नए सफ़र होगा, किसके साथ आपका डेफिनेटली एक नया सफ़र तैयार होने जा रहा है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइज। पहले थोड़ा सा मोरकल कार्ड्स देख लेते हैं, आपके करंट सिचुएशन थोड़ा सा देख लेते हैं एंड देन वी विल गो फॉर, आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ओके। सो लेट्स सी, सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन, कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके वर्तमान हालात किस तरह से हैं, व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ लव, रिलेशनशिप, मैरिज। So we have the creation, we have the rejection. मुझे पता ही था ये कार्ड आना ही था। Impatience, we have the growth. Bottom of the deck we have the enlightenment. Okay, आपके signs हो सकते हैं, ठीक है, बाद में तो देख ही लूंगी मैं tarot predictions से। एरीज, लियो, सजिटेट, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, जेमिनाई, लीब्रा, पाइशिस, यस, लियो, एयर साइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एयर साइन है, पाइशिस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है। एनीवे, साइंस डज नॉट मैटर, फिर भी मैंने आपको बता दिया। जिस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपने या बहुत सारे लोग ने इस रीडिंग को जो देख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है आपके अंदर जो इनोसेंस है, आपके अंदर जो एक खूबसूरत, जो एक आप बोल सकते हो खुद के अंदर जो दुनिया है, ठीक है, वो इस तरह का एक रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं या चाहते हो कि जो आपके तरक्की के लिए, जो आपके जो सपोर्टिंग बहुत ज़्यादा हो, या डेफिनेटली आपको करियर में भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करे एंड मेंटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी करे। इमोशनल सपोर्ट तो डेफिनेटली आप चाहते हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे ऑलरेडी आपके रिलेशनशिप में इस तरह से हुआ है जहाँ पे आपको उस रिलेशनशिप से मूव ऑन होना पड़ा, आपको रिजेक्ट किया गया, ठीक है, आपको प्यार का मतलब जिस तरह से होता है ना, झूठ, एक नकाब पहन के वो इंसान बैठा था, बट वो इंसान बाद में आपको रिफ्यूज़ कर दिया बिकॉज इट वॉज जस्ट अ माइंड गेम, ओके, यूजिंग यू, मे बी एक्सप्लॉयटेशन भी हुआ है आपके साथ। यू डोंट नीड टू मैंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, आपको मैंशन करने का ज़रूरत नहीं। आपका दुख और दर्द मुझे समझ में आ रहा है। अभी आप बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा आप यू जस्ट वॉन्ट अ रिलेशनशिप जो काफ़ी ज़्यादा फास्ट आपके लाइफ में आ जाए, बट आपको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, बट आप नहीं रख रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपको लग रहा है कहीं ना कहीं पर पर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स की वजह से आपका जो प्रोफेशनल दुनिया है, करियर है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है। कुछ लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट प्रोसेस से जा रहे हो, मतलब क्या है, आपके जो
जिस तरह से बोलते हैं ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है, आप अवेयर हो रहे हो, आप अपने अंदर झांक रहे हो, आपको गाइडेंस भी मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा, उससे आप रियलाइज कर पा रहे हो कहाँ पे आप गलत थे, कहाँ पे आप सही थे, ठीक है, आपने किसके ऊपर भरोसा आपको करने चाहिए, किसके ऊपर बिल्कुल नहीं करने चाहिए। यू आर जस्ट गेनिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। एनलाइटनमेंट जब भी वर्ड आता है तभी भी मुझे वही बात आता है कि लॉर्ड बुद्धा जो पीपल पेड़ के नीचे उनको एनलाइटनमेंट हुआ, तब उन्होंने मेटेरियलिस्टिक दुनिया छोड़ दिया एंड देन ही बिकेम अ हर्मिट एंड देन ही प्रोपेगेटेड द रिलीजन कॉल्ड बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म उन्होंने जो स्प्रेड किया था, ठीक है, उनको नॉलेज मिला था, कहाँ पे मिला था, पीपल पेड़ के नीचे मिला था, ठीक है, एंड देन ही स्टार्टेड टू रियलाइज कि रियल ये जो दुनिया है और जो ऊपर वाला दुनिया है स्पिरिचुअल दुनिया, ठीक है, उसमें क्या फ़र्क है, बहुत कुछ उनको नॉलेज मिला, तभी ना उन्होंने जाके बुद्धिज्म को स्प्रेड किया। सो एनलाइटनमेंट आपको मिलने वाला है, एनलाइटनमेंट की वजह से आप बहुत कुछ अपने जीवन में क्रिएट करोगे। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपका पर्सनल लाइफ ख़त्म होने वाला है, नो, यू आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू पर्सनल लाइफ फॉर योरसेल्फ, लव, रोमांस, रिलेशनशिप, जहाँ पे मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पे आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके पास्ट रिलेशनशिप्स में हुए थे कि किसी ने आपके पार्टनर को भड़काया होगा, या वो खुद कन्फ्यूज्ड थे रिलेशनशिप में, या वो खुद मैरिड थे किसी के साथ, या उनको नहीं चाहिए था परमानेंट रिलेशनशिप, या कमिटमेंट नहीं चाहिए था, इस तरह से भी सिचुएशन हो सकते हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे, आप बहुत ज़्यादा हड़बड़ी मचा रहे हो, ठीक है, आप शॉर्टकट प्रोसेस कर रहे हो बट यूनिवर्स आपको रोक रहे हैं। डोंट डू दैट, हैव पेशेंस इन योर लाइफ, ठीक है। आपका जो क्रिएटिव साइड है, आप जो एक क्रिएटर हो, ठीक है, उसके वजह से क्या हो रहा है, आपके अंदर जो ताकत है, आपके अंदर जो ब्राइट बेस्ट चीज़ें हैं, वो पर्सनल रिलेशनशिप्स में इफेक्ट किए हैं, रिजेक्शन हुआ है, आप हार्ट हुए हो, आपके सेंटिमेंट्स के साथ खेला गया है, उसके वजह से भी आपका करियर में आप बहुत कुछ कर सकते थे और वहाँ पे आपका वहाँ पे डैमेज हो गया। बट यूनिवर्स आपको बोल रहा है, हैव पेशेंस, एवरीथिंग विल बी फाइन, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि व्हाई दिस हैपेंड। एनलाइटनमेंट मतलब व्हाई दिस हैपेंड, क्यों हुआ ये आपके साथ, ठीक है, वो तो दूसरे के साथ क्यों नहीं हुआ है, व्हाई डिड दिस हैपन टू मी ओनली, सो यू विल रियलाइज एवरीथिंग। नाउ हम देख लेते हैं ये जो इंसान है ये कौन है। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में कौन आने वाले हैं, परमानेंट कमिटमेंट को लेके एंड लॉयल्टी डेफिनेटली। फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास आ चुका है द लवर्स, और इसमें भी काफी ज्यादा यहाँ पे जो है ना फाइव ऑफ पेंटेकल्स, सही बोल रही थी मैं, फाइव ऑफ वैंड्स, ओके, माय गॉड, सेवन ऑफ पेंटेकल्स। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न जेमिनी, आप ही आपके पर्सन हो सकते हैं, एरीज लियो सजिटेरियस, बिगिन आर्ट साइन, जजमेंट, स्कॉर्पियो एरीज, नाइट ऑफ वैंड्स, एरीज लियो सजिटेरियस, एस ऑफ वैंड्स, फायर साइन, वाओ वाओ, लास्ट में देखो जस्टिस, लिब्रा, लिब्रा जेमिनी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, बाकी सारे साइंस आ चुके हैं। वाटर साइन में है स्कॉर्पियो, इम्पॉर्टेंट है एरीज, इम्पॉर्टेंट है फायर साइन में, फायर साइन, अर्थ साइन, एयर साइन काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। एनीवे, मेजर अगना को लेके बात करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल द लवर्स कार्ड, यहाँ पे कुछ नंबर्स है जिस तरह से 555 555, हो सकता है किसी का बर्थडे हो 5/23 या 14 या 5th मंथ, दैट इज मे कैन बी इम्पॉर्टेंट, या आपके साथ आपके पार्टनर का 5 weeks 5 days का डिफरेंस हो सकता है, या 5 months का डिफरेंस हो सकता है, 5 years तभी जा सकता है, ठीक है।
कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हो, यू आर वेटिंग डेफिनेटली, और आप चाहते हो कि यूनिवर्स आपके साथ डेफिनेटली न्याय करे, जस्टिस, दिस इज़ द जजमेंट कार्ड, कि जहाँ पे, हाँ यहाँ पे जस्टिस भी आ रहा है, ऑफ कोर्स जस्टिस, जजमेंट एंड द लवर्स, ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन यहाँ पे आ रहा है। ये पर्सन जो भी इंसान होंगे ना, दे विल बी फेयर एंड बैलेंस्ड, ठीक है। बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है ये पर्सन पार्शियलिटी बिल्कुल तो आपके साथ नहीं करने वाले। अगर ये अपने फैमिली को भी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो आपको भी वही इम्पोर्टेंस वो देंगे। ओके, यू कैन सी द कार्ड्स प्रॉपरली राइट नाउ। ओके, जिस तरह से मुझे दिख रहा है ये इंसान काफ़ी ज़्यादा मुझे इंटेलिजेंट दिख रहे हैं। अगर ये पर्सन फीमेल है तो काफ़ी एवरेज टू टॉल हाइट हो सकता है, स्लिम बॉडी हो सकता है। अगर ये मेल है तभी भी मुझे दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा आप उनकी आँखों में देखोगे, इट्स लाइक स्पार्कलिंग आईज, ठीक है। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे नज़र में आ रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा मन्नतें मांग रहे हो कि आपके साथ जो भी हुआ है वो अन्याय हुआ है। और जिस तरह से हम जज के पास जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, लॉयर के पास जाते हैं, हम हाथ जोड़ के उनको बोलते हैं कि हमें न्याय मिलने चाहिए अगर हम विक्टिम हैं तो। सो मे बी यू हैड बीन अ विक्टिम ऑफ द पास्ट रिलेशनशिप, या आपको लगता है कि यूनिवर्स सबके साथ फेयरली बैलेंस कर रहे हैं लेकिन आपके साथ बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। लोगों का शादी फिक्स हो रहा है, ठीक है, रिलेशनशिप्स भी अच्छे खासे चल रहे हैं, ठीक है, दे आर गोइंग फॉर देयर हनीमून पीरियड इन देयर लाइफ, बट आपके साथ क्यों नहीं हो रहा है, वाई यू आर स्टिल सिंगल। अगर आप रिलेशनशिप में भी हो तो भी वहाँ पे सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं है, ठीक है, आप इतना डेडिकेटेड हो जाते हो लेकिन आपके पार्टनर क्यों नहीं होते हैं। यू वॉन्ट अ न्यू बिगिनिंग, आप अपने पास से निकलना चाहते हो, बट न्यू शुरुआत, न्यू जो एक फेज है आपके लाइफ में वो कब होगा। सो रिपीटेडली यू आर प्रेइंग, ओके, टू गॉड, जो भी आपके मज़हब है, आप रेगुलरली मन्नतें मांग रहे हो, ठीक है, दुआ कर रहे हो कि आपके साथ वो जजमेंट ज़रूर हो। यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है इस तरह के इंसान होंगे कि जो काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है यहाँ पे, मुझे, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कोई आप इसमें हो सकता है, इस रीडिंग में जहाँ पे आपके पार्टनर को किसी ने प्रोवोक किया। यहाँ पे देखो, ये जो है आप हो, ये जो है कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, ये आप नहीं हो, दिस इज़ नॉट यू, दिस इज़ यू। जिनको मतलब देखो, आपके पर्सन ने अपना आपको फेस ऑफ किया, ये उन लोगों के लिए था जो आपके सोलमेट तो थे, जो आपके सोलमेट तो है, लेकिन आपसे देखो उन्होंने मूव ऑन किया, क्यों, इस महिला के वजह से। अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो यही सिनेरियो है, अगर आप फीमेल के लिए भी देख रहे हो तो भी सिनेरियो इसी तरह है, ठीक है, बिकॉज मेल फीमेल डज नॉट मैटर इन द टैरो, एनर्जी मैटर्स। यहाँ पे आपसे मूव ऑन उन्होंने क्यों किया, आपको समझना पड़ेगा ना, देयर मस्ट बी अ फैक्टर। तो इनको किसने प्रोवोक किया, ये किसी खूबसूरत महिला हो सकते हैं, ठीक है, पुरुष हो सकते हैं जिनसे प्रभावित हुए हैं आपके पार्टनर, ठीक है, और ये भी हो सकता है आपके पर्सन जो है ना लवर्स आप ही का है, ठीक है, दिस इज द लवर्स कार्ड, डेफिनेटली ये आपके इंसान है बट छीना गया है डर दिखा के। हो सकता है, हो सकता है कि आपके पर्सन के साथ उनका रिलेशनशिप था जो पास्ट के लिए देख रहे हो, बट उन्होंने बोल दिया कि राज हम खोल देंगे तो आपको मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, आपको उनको छोड़ना पड़ेगा, डिवोर्स देना पड़ेगा, या आपको सेपरेशन होना पड़ेगा उनसे। सो देर वॉज कॉन्स्पिरेसी, मैनिपुलेशन जो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, जो आपके साथ इस तरह से हुआ तो जजमेंट और जस्टिस जो है, यूनिवर्स इस तरह का जगह है जहाँ पे सब कुछ चीज़ ना एक तरफा नहीं होता, दो तरफा होता है। अगर इन्होंने किया है तो उसका सज़ा डेफिनेटली उनको मिलेगा। यहाँ पे थर्ड पार्टी ऑफ कोर्स है जो पास्ट के लिए देख रहे हो, और वो कोई इंसान है, वो कोई करियर नहीं दिखाई दे रहा है मुझे इस तरह का रीडिंग में। मे बी ये पर्सन हो सकता है कि करियर के प्रति उनका बहुत ज़्यादा मोह है, ठीक है, जिस तरह से बोलते हैं ना मोह, ये मोह मोह के धागे, ये मोह की जो धागे ऑफ कोर्स है फाइनेंशियल के प्रति, बट आपके पर्सन, आपको जो नाइट ऑफ वेंस का कार्ड, जहाँ पे ये पर्सन आपके अगर पास थे तो उन्होंने आपको इसलिए छोड़ा बिकॉज दे वांटेड टू इम्प्रूव देयर फाइनेंशियल, ओके, स्टेटस, ठीक है, तो हो सकता है इस तरह का है, बट धीरे धीरे एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। ये पर्सन आप ही के साथ
एक नई शुरुआत करेंगे। कुछ लोग के लिए आपके पर्सन के हाथ में टैटूज हो सकते हैं लेफ्ट या राइट हैंड में, ओके। और ये आपके साथ एक नई सफर शुरुआत करेंगे जहाँ पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, जहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं होंगे। जितना आप प्यार दोगे उतना ही प्यार आपको मिलने वाला है, बराबरी का हक मिलने वाला है, ठीक है। दर्जा आपको देने वाले हैं, रिस्पेक्ट आपको देने वाले हैं, केयर आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। आपके साथ उनका खूबसूरत एक बच्चा भी होगा, ओके। एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा, अगर ये आप मेल के लिए देख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा सेक्सी है ये इंसान दिखने में, ठीक है। अट्रैक्टिव, हैंडसम, काफ़ी फीचर्स सुंदर, ठीक है। एंड आई लाइक दिस पर्सनस एटीट्यूड, बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि एक वार्म एटीट्यूड होगा उनका, ठीक है, और आपको काफ़ी पसंद आएगा वो इंसान। दूसरा चीज़ अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो, तभी भी काफ़ी ज़्यादा शांत, सोबर, ठीक है, सॉफ्ट, अच्छा मैनर, मैनरिज्म्स बहुत अच्छे हैं, लोगों के साथ अच्छे से पेश आने वाले, बातचीत करना जानते हैं, तरीका उनको पता है, या आप इस तरह से इंसान हो सकते हैं। आपके पर्सन, मुझे लग रहा है उनके अंदर क्यूटनेस ओवरलोडेड, जिस तरह से बोलते हैं ना, क्यूटनेस इज ओवरलोडेड, ये इनके अंदर जो बच्चा जो है ना आपको दिखाई देगा, बचपनी हरकत जिस तरह बोलते हैं ना, बचपनी हरकत ये कर देते होंगे, ओके। एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा क्यूरियसिटी इनके अंदर होगा, आप क्या कर रहे हो, आप क्या नहीं कर रहे हो, और ये हमेशा आपके साथ स्टेबिलिटी या फाउंडेशन बनाने की कोशिश करेंगे। आपको मैसेज करना, कॉल करना, आपके हालात के बारे में जानना, समझना उसको, ठीक है, अनदेखा ना करना, ना अनसुना करना, उस तरह से आपको हमेशा हेल्प करने वाले इंसान। कोई लॉयर हो सकता है, कोई जज हो सकता है, कोई शेफ हो सकता है, कोई मैनेजमेंट पोजिशन पर हो सकता है, ठीक है। और एंड काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहा है यहाँ पे देखो एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, दिस इज़, यहाँ पे देखो बारिश हो रहा है, ठीक है, और आप बिल्कुल अकेले हो, और यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे जो आग है, ठीक है, ये इसलिए है कि जितना भी आपके अंदर, ठीक है, परेशानी है, वो सब कुछ ऑटोमेटिकली सॉल्व हो रहा है विद द एस ऑफ वैंड्स। जितना भी आपका, देखो, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वैंड्स यहाँ पे आ रहा है, एस ऑफ वैंड्स। सो आपके जो फेज है ये इस तरह से नहीं रहने वाले, ठीक है। यहाँ पे जो द्वंद्व जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे भी थ्री पीपल आर एसोसिएटेड, कोई तीन इंसान होंगे जो आपके जो पोजीशन है, पावर है, स्टेटस है, उससे काफ़ी ज़्यादा जलते हैं, इसीलिए उन्होंने शायद इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया होगा। तो ये सारे चीज़ से, आपके जो अकेलेपन है उस चीज़ से आपको डेफिनेटली छुटकारा मिल जाएगा। और अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ एंगेज थे तो डेफिनेटली रिलेशनशिप एक न्यू लेवल तक जाएगा। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। ये पर्सन हो सकता है, मुझे लग रहा है कोई सेल्स कम्युनिकेशन पे हो सकता है, ठीक है, टेली कम्युनिकेशन सेक्टर, कस्टमर केयर, रिलेशनशिप डिपार्टमेंट्स, उसका मैनेजर हो सकता है। दूसरा चीज़ जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन जो है ना ट्रैवल करते हैं फॉर देयर करियर, कि उनको कई ऑफर मिला तो ये तुरंत उस जॉब को छोड़ के न्यू ऑफर, ओके, उसमें चले जाएंगे, एक बार सोचेंगे भी नहीं, ठीक है। एंड डेफिनेटली मुझे जिस तरह से लग रहा है, कुछ लोग के आपके पर्सन या आपका जन्म हो सकता है अक्टूबर में, अक्टूबर बहुत ज़्यादा मुझे खास दिख रहा है यहाँ पे, ओके, ऑलराइट। और मुझे इस तरह से दिख रहा है ये पर्सन बिल्कुल भी लेजी नहीं होने वाले, कॉम्पिटिटिव सेक्टर्स में हो सकते हैं, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट डिपार्टमेंट्स हो सकता है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स में भी हो सकता है इन क्लरिकल पोजिशन, या हो सकता है इन बैंकिंग सेक्टर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इस तरह का, ठीक है। और जिस तरह से मुझे दिख रहा है ना, ये बहुत कुछ हैंडल कर सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए लोग इनको देते भी है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ऑलराइट, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ जब भी ये आएंगे तो आपको कमिटमेंट ही देंगे, इट्स नॉट लाइक दैट दैट दे विल प्ले विथ यू, ठीक है। बट ये आपको ध्यान ज़रूर रखना है कि आप दोनों के बीच कोई अननेसरली थर्ड पार्टी इंटरफेयर ना करे, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो देखते हैं ये पर्सन कौन से सिचुएशन पे आपके साथ मुलाकात होता है इनका। ब्लेस्ड, पीस, फ्लेक्सिबल, वाओ, सोलमेट, वाओ वाओ एंड वाओ।
ओके, तो आप अपने सोलमेट से डेफिनेटली मिलोगे। यहाँ पे भी 5 का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। 22 22 नंबर हो सकता है कि आप देखते हो, या हो सकता है कि कुछ लोग के लिए आपके घर का एड्रेस 22 हो या 5 नंबर पे आता है, इस तरह से हो सकता है। ओके, देखो मैंने आपको बताया था कि कौन से सिचुएशन पे ये पर्सन आपको मिलेंगे। जब आप कम्प्लीटली सरेंडर कर दोगे यूनिवर्स के ऊपर, जब आपके मन के अंदर शांति होगी, जब आपका मन अशांत होगा ना, तब कोई भी सिचुएशन आपके पास नहीं आ सकता, न्यू एनर्जी। ठीक है, आपको खुद को कंट्रोल करना है, आपको उस पास सिचुएशन से या करंट सिचुएशन में भी अगर प्रॉब्लम है तो उससे आपको निकल जाना है। ठीक है, आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। यू हैव टू बी मोर फ्लेक्सिबल, ओके, एंड ओपन इन योर रिलेशनशिप। मतलब क्या है ना, कोई फिक्स्ड इस तरह का क्वालिटीज मेरे पर्सन के अंदर होने चाहिए तो ही मैं इनके साथ कनेक्शन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इस तरह से आपको नहीं होना है। ठीक है, यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल इन योर ओन कनेक्शन। एंड देखो यहाँ पे ऑलरेडी है, जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाले होंगे तो ऑफकोर्स ये आपके लिए एक ब्लेसिंग होगा यूनिवर्स की तरफ से, जहाँ पे यू आर मीटिंग विथ योर डेस्टाइंड पार्टनर। ओके, एंड दिस इज़ अ सोलमेट कार्ड। तो आप देखोगे कि कितना ज़्यादा यहाँ पे प्यार है, मोहब्बत है, एक दूसरे को समझना है, चाहे जो भी आपके नेचर हो। ठीक है, ये पर्सन आपको समझने की कोशिश करेंगे, आप भी इनको समझने की कोशिश करोगे। आप अपने रॉ फॉर्म में रहोगे, रॉ मतलब आपको पता है कच्चा फॉर्म है, दिखावा यहाँ पे कोई भी नहीं है, यहाँ पे कुछ चीज़ हाइड नहीं हो रहा है, प्रिटेंड नहीं हो रहा है कि मैं बेहतरीन हूँ, ठीक है, सबसे आई एम द बेस्ट, ये चीज़ प्रूफ करने का ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज दिस इज़ योर सोलमेट। आप जैसे भी हो वो पर्सन उसी तरह आपको एक्सेप्ट करने वाले, वट एवर योर नेचर इज, वट एवर आर योर क्वालिटीज। आपको अपने सोलमेट को बुलाने के लिए ना हायर डिग्रीज का ज़रूरत पड़ता है, ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का ज़रूरत पड़ता है। ओके, आपके सोलमेट आपकी ज़िंदगी में तब आते हैं जब आप खुद शांति में रहते हो, कम्फर्ट में रहते हो, और जो भी कर रहे हो उसको आराम से आप कर रहे हो, यू आर डूइंग इट विद एन्जॉयमेंट। अभी आप बोलोगे कुछ लोगों के लाइफ में बहुत परेशानी होता है तभी भी ये पर्सन आ सकते हैं। आपको कैसे पता नहीं कि वो कार्मिक है, बट दिस इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट द हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन। ये तभी आपके ज़िंदगी में आ रहे हैं जब आप पूरी तरह से शांत हो रहे हो। राइट नाउ योर सिचुएशन में भी कुछ लोगों के लिए ट्रबलसम है, आप चिंता कर रहे हो बहुत ज़्यादा, एंग्जाइटीज़ है, डिप्रेशन है, तब नहीं आएंगे वो, क्योंकि आप नेगेटिव एनर्जी दे रहे हो यूनिवर्स को। ठीक है, आपको खुद पता नहीं है, आप नेगेटिव सोच रहे हो, और नेगेटिव सोचने से वो रिपरकशन आता है, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड, ठीक है, फ्रॉम द यूनिवर्स इन अ नेगेटिव वे, कि मेरे साथ नेगेटिव ही होना है। तो आपको उस चीज़ को छोड़ देना है, यू नीड टू सरेंडर। आपको फील करना है दैट यू आर लाइट, ओके, एंड यू जस्ट कनेक्टेड टू द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। आपको खुद लाइट महसूस करना है। आपको पता है जो पास्ट लाइफ जो थेरेपीज होते हैं कि पास्ट लाइफ में पहुंच जाते हैं, कुछ डॉक्टर्स होते हैं स्पेसिफिकली जो कराते हैं, साइकोलॉजिस्ट, तो वो क्या बोलते हैं, जस्ट मेक श्योर यू आर लाइट, तभी ना जाके आप एनर्जी से कनेक्ट हो पाते हो, वरना क्या होगा, फिर पास्ट भी नहीं हो पाएगा, फ्यूचर भी नहीं हो पाएगा, राइट? तो इसी तरह से मैं आपको बोल रही हूँ, पीस ऑफ माइंड, फ्लेक्सिबल इन योर माइंड, कि चलो जो भी मेरे पास आएंगे आई विल एक्सेप्ट दैट पर्सन। ठीक है, उसी तरह से सोलमेट कभी भी अगर आपका ये ओपिनियन है कि सोलमेट तभी हमारे लाइफ में आते हैं, वो हमारे क्वालिटीज़ देख के आते हैं, नहीं, उस तरह से नहीं होता है। जिसके साथ जिसका ऑलरेडी कनेक्शन होता है उसी के साथ होता है। हाँ, वो चीज़ ज़रूर मैटर करता है कि आप किस तरह से उस इंसान को एक्सेप्ट कर रहे हो, वरना कनेक्शन कट हो जाता है। आपको इम्प्रेस करने का ज़रूरत नहीं है सोलमेट को, आपको स्टाइल, आपको फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर अ फीमेल, यू डोंट नीड टू डू मीन्स वेयर कॉस्मेटिक्स और एनी अदर एक्सेसरीज और एनी अदर थिंग्स टू इम्प्रेस योर सोलमेट। सिंपल चीज़ में भी लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, एग्जाम्पल देने से बहुत अच्छा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी, वेन ही केम टू द होटल, ठीक है, वहाँ पे साक्षी धोनी वहाँ पे खड़ी थी, ठीक है, तो उन्होंने उनको पूछा, तो उन्होंने उनको क्या बताया, पता कि आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग, आई डोंट नो हु यू आर,
तो इसका मतलब ये क्या था कि उन्होंने उनको बोल दिया कि मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं, आपको अपना जो कीज़ है उसको शो करना पड़ेगा। देर इज़ अ वेरी यू कैन से लॉन्ग स्टोरी अबाउट इट। बट वो उनको जानते ही नहीं थे, तब भी क्या कनेक्शन नहीं हुआ। टिल नाउ द कनेक्शन इज क्वाइट गुड एंड दे आर हैप्पीली मैरिड। ओके, सो कनेक्शन इस तरह से नहीं होता कि आप बहुत बड़े खानदान के लड़के हो या लड़की हो और कोई छोटा है, या डिफरेंसेस है। सोलमेट जब आते हैं तब उस तरह से इम्प्रेस करने का ज़रूरत नहीं है। यू ऑटोमेटिकली बी इन योर ओन रियल इमेज, उसी में से ही अट्रैक्शन बढ़ेगा। ठीक है, जो समझाना था समझ लिया, अभी देखना क्या होता है। तो इनिशियल्स और कुछ नंबर्स है, 781 178 कैन बी देयर डेट ऑफ बर्थ और लाइफ पाथ नंबर व्हाट एवर बी इट इज बी। किसी का एक हो सकता है आपके सोल में, यहाँ पे आ रहा है टी एट, तो कोई मेल आ सकता है या ये कोई मेल्स को हैंडल करते हैं जीमेल। ओके, सो अगर नहीं है तो मतलब ये नहीं है, बिल्कुल भी रीडिंग आपके लिए नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आइडेंटिफिकेशन। उनके इनिशियल्स में हो सकता है, नाम के इनिशियल या सिटी में हो सकता है, फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम या निकनेम या आपका भी इनिशियल इसमें आ जाता है। ठीक है, ओके, वीना किसी का नाम हो सकता है, जिया है, ओके, टिया है, ओके, निया है, ओके, वाइटल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा नेक्स्ट रिलेशनशिप आपका। ओके, बेज BIG कुछ बेज कलर्स उनको पसंद होगा, शायद दे आर एन आर्टिस्ट और समथिंग, वो भी वहाँ पे दिखा था, आर्टिस्ट पेंटर हो सकते हैं, स्कल्चर बनाते हैं, इस तरह से भी हो सकता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness.